की वीडियो में मैं दो आरसी एनिमल्स के बीच में फाइट कराने वाला हूँ। देखते हैं दोनों में से आज कौन जीतता है। यहाँ पर देखो गाइस, ये जो आरसी स्टंट डॉग है मैंने कल ही खरीदा है। कमाल की क्वालिटी है, कमाल के स्टंट दिखा सकता है ये आरसी डॉग। तो ये रही अपनी प्रोग्रामेबल इंटेलिजेंट एलिफेंट। ये भी जो एलिफेंट है ना भाई साहब, बहुत ही कमाल के स्टंट कर सकती है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग और कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं आज दोनों में से कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। जो स्टंट डॉग है ग्रेविटी सेंसर के साथ आ जाता है और मल्टी फंक्शन भी है। अगर आपको याद होगा तो मेरे पास इसी तरह का ऑलमोस्ट दिखने वाला एक रेड कलर का भी स्टंट डॉग था, पर वो डॉग और ये डॉग के अंदर बहुत ही ज्यादा अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप इस डॉग को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट बोलकर एक छोटा सा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो आरसी डॉग आरसी एलिफेंट को खरीद सकते हो। ये क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर दिए हुए, सारी की सारी चीजें जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना दोस्तों। ये आ चुका है अपना आरसी स्टंट डॉग बाहर। कलर सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। ये देखो गाइस, निकाल लिया मैंने हमारे आरसी स्टंट डॉग को। क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है। फिलहाल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके साथ सेम मैचिंग वाला रिमोट मिल जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, बहुत ही ऑसम क्वालिटी है। रिमोट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसके साथ मिलती है ये बैटरी, देखते हैं कितने mAh की है। लायन बैटरी है, 7.4 वोल्ट 500 mAh की बैटरी है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी है। तो आप इसको सामने से देखो ना गाइस, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोटिक डॉग है। लुक बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जैसा दिखाई देता है। ये बैटरी कंपार्टमेंट यहां से लेकर यहां तक है, देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा बैटरी कंपार्टमेंट दे रखा है, ताकि हम लोग इसके अंदर बहुत ही बड़ी वाली बैटरी भी लगा सके। यहां पर इसके लेग्स के पास ये जो डिजाइन है मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी जो है ना गाइस पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। यहां पर कुछ थोड़ा सा अलग तरीके का डिजाइन दिया हुआ है, शायद ये एयर वेंट्स है। यहां पर है इसके अंदर यूनिवर्सल मैग्नम व्हील्स। ये बहुत ही ज्यादा ऑसम चीज लगी गाइस मेरे को। अभी अनबॉक्स करते हैं प्रोग्रामड इंटेलिजेंट एलिफेंट। आपका सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमल कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से जरूर से लाइक कर देना। और ये आ गई अपनी इंटेलिजेंट आरसी एलिफेंट। इसके ऊपर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये एक मशीन है, और इस रंग को हम लोग पूरी तरीके से रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। आईस इसके बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसके ईयर्स भी जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके लेग्स भी बहुत ही ज्यादा मूवेबल है, पूरी तरीके से पीछे और सामने की तरफ आ जाते हैं, इन्हें में काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देती है। और यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर है इसका माउथ, और ये जो माउथ है इसका पूरी तरीके से मूवेबल है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है। नीचे की तरफ यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया हुआ है इसके अंदर। इसके व्हील्स देखो इस तरह के मिल जाते हैं, सामने के व्हील्स बहुत ही ज्यादा फ्री है, पीछे के व्हील्स इसके शायद यहां पर मोटर वगैरह लगी होगी। तो भी इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा दोस्तों इसका रिमोट। इसके अंदर देखो यार कितने ढेर सारे फंक्शंस दिए हुए, हर एक बटन के ऊपर यहां पर अलग अलग स्टंट वगैरह दिया हुआ है। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस एलिफेंट से करा सकते हैं। इसके साथ हम लोगों को इस तरह के रिंग्स भी मिलते हैं, ताकि हम लोग इस एलिफेंट के साथ गेम वगैरह भी खेल सकें। इसकी बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही इसकी बैटरी, 3.7 वोल्ट लेवन बैटरी मिल जाती है, और ये है इसका बहुत ही छोटा सा चार्जर। ओके गाइस, दोनों को यहां पे मैंने साइड बाय साइड रख दिया। अभी फटाफट से दोनों को मैं आपको कंपेयर भी करके बता देता हूं। दोनों का कलर जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही लग रहा है। क्वालिटी के मामले में अपना जो आरसी स्टंट डॉग है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा ऑसम है। मेरे को नहीं लगता गाइस ये ऑफ रोड में या फिर बाहर कहीं पर भी चल पाएगी। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं आज आरसी इंटेलिजेंट एलिफेंट जीती है या फिर अपना आरसी स्टंट डॉग। चलते हैं बाहर, लेट्स गो एंड फाइट। दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर, सबसे पहले टेस्ट करने वाला हूं आरसी स्टंट डॉग को। ये डॉग इतना मस्त तरीके से रोड पर चलेगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूनिवर्सल एजाइल व्हील्स होने के कारण इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ही ऑसम है, रिमोट भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्क कर रहा है। इस डॉग को हम लोग 360 डिग्री भी रोटेट करा सकते हैं। इसके साथ हम लोगों को इस तरह की जायरो सेंसर वाली वॉच भी मिल जाती है। यार बॉक्स में मैं आपको बताना भूल गया था, यहां पर देखो अपने हाथ पर मैंने वॉच को बांध ली है। मैं हाथ अपना जिस डायरेक्शन में कर रहा हूं, अपना जो आरसी डॉग है उसी डायरेक्शन में अच्छी तरीके से जा भी रहा है। और फोल्ड करके इस तरह से हम घुमाएंगे तो ये 360 डिग्री भी इस तरह से घूम
घूमने लगता है इंडोर में आउटडोर में बहुत ही ऑसम तरीके से अपना आरसी स्टंट डॉग काम कर रहा है। अभी टेस्ट करते हैं आरसी इंटेलिजेंट एलिफेंट को। आज से पहले मैंने इसको कभी भी रोड पर टेस्ट नहीं किया है, ठीक ठाक तरीके से चल रही है, पर इसके अंदर एक दिक्कत है, ये लेफ्ट या फिर राइट को जा नहीं सकती है। ये आरसी एलिफेंट के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी होती है, अभी मैं आपको इसकी गेम मोड एक्टिवेट करके बता देता हूं। इसके साथ हम लोगों को मिले थे इस तरह के रिंग्स, ये जो रिंग्स है अभी हम लोगों को इसके ट्रंक के अंदर डालना पड़ता है, 15 सेकंड का टाइम होता है, तीनों रिंग्स हम लोगों को डालनी पड़ती है। ओ माय गॉड, टाइम यहां पर खत्म हो चुका है, रिंग नीचे गिर चुका है। एक और बार मैं ट्राई करने वाला हूं, ये गेम सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। एक रिंग मैंने डाला था, देखो और वापस इसने अपना ट्रंक नीचे कर दिया है, रिंग नीचे गिर चुकी है। एक और बार ट्राई करने वाला हूं यहां पर मैं फटाफट से, यार तीनों रिंग इस बार गिरे ही नहीं। एक और बार ट्राई करूंगा गाइस, देखते हैं इस बार मैं जीत पाता हूं या नहीं। एक रिंग मैंने डाल दिया, दूसरी रिंग भी डाल दिए और तीसरी रिंग भी डाल दिए, यार बहुत ही ऑसम गेम लगी दोस्तों मेरे को ये। इसके अंदर और भी बहुत सारे कूल फीचर्स हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं एक बटन दबाने से ही इसका जो ट्रंक है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ आ रहा है, और नीचे का बटन दबाऊंगा तो ट्रंक जो है पूरी तरीके से नीचे की तरफ भी आ जाता है। यहाँ पर इसके साथ मैं देखो अभी हैंड स्टैंड कराने वाला हूँ, बहुत ही ऑसम स्टंट भी दिखा सकती है आरसी एलिफेंट। अभी रिमोट के अंदर मैं ये बटन प्रेस करके देखता हूँ ये एलिफेंट क्या करती है। अच्छा, इसने पहले अपने ट्रंक को ऊपर किया है, अभी शायद यहाँ पर ये कुछ पुशअप वगैरह करके दिखा रही है या फिर कुछ डांस कर रही है, मेरे को कुछ समझ आया नहीं गाइस। तो यहाँ पर और भी सारे बटन है, अभी शायद ये पीछे की लेग्स पर बैठ चुकी है, और यार अपने ईयर्स को भी ये काफी मस्त तरीके से कंट्रोल वगैरह कर सकती है। अभी इसको उठा देते हैं। ओ भाई साहब, इसके अंदर म्यूजिक वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी देखो यार, ये बहुत ही अलग अलग तरीके के इसके अंदर म्यूजिक बजने लगेंगे, और ये बहुत ही ऑसम तरीके से डांस वगैरह भी करके बता सकती है। ओ भाई, माइकल जैक्सन भी इसके सामने फेल हो जाएगा यार, इतने ऑसम डांस मूव्स अपनी आरसी इंटेलिजेंट एलिफेंट दिखा सकती है। अभी करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, दो बार फॉरवर्ड का बटन प्रेस कर दिया है, अभी ये बटन मैंने प्रेस कर दिया है, अभी ऊपर की तरफ एक और बटन है, ये भी मैं प्रेस कर दूंगा, अभी प्रोग्रामिंग का बटन वापस से प्रेस कर दूंगा। अभी देखो यार, ये अपने आप ही काम करेगी, और इसका रिमोट भी मैंने यहां पर रख दिया है। जो बटन मैंने प्रेस किया है वो सारी की सारी जो चीजें हैं ये स्टंट करके दिखा सकती है। ये भी बहुत ज्यादा कूल फीचर लगा मेरे को इस आरसी इंटेलिजेंट एलिफेंट के अंदर। अभी कराएंगे दोनों की आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं दोस्तों दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर आरसी स्टंट डॉग बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है, देखो यार एक सेकंड के अंदर ही इसने आरसी एलिफेंट को धक्का मारकर नीचे की तरफ गिरा दिया। अभी कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं यहाँ पर कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। वापस से देखो यार, आरसी स्टंट डॉग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नम व्हील्स देने के कारण इस वजह से देखो ये बहुत ही आसानी से अपने आरसी एलिफेंट को वापस से हरा चुका है। अभी आरसी एलिफेंट का हम लोग वेट पुल टेस्ट कराने वाले हैं। इसके पीछे मैंने एक बेंटली आरसी कार बांध दी है, बहुत ही वजनदार कार है। ओ माय गॉड, वेट खींचने के चक्कर में अपनी आरसी एलिफेंट खुद नीचे गिर चुकी है। ओ भाई साहब, मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अपनी आरसी एलिफेंट वेट भी नहीं खींच पा रही है। अभी सेम टेस्ट करेंगे आरसी स्टंट डॉग के साथ। ओ भाई साहब, इसने तो कार को ही उठा दिया यार। इसके पीछे और दो तीन कार्स भी मैं बांध दूंगा गाइस, वो भी जो है बहुत ही आसानी से पुल करके लेके जा सकता है। अभी यहाँ पर करेंगे लाइट टेस्ट आरसी एलिफेंट क्या है। इसके अंदर बहुत ही कूल लाइटिंग दी गई है, पूरी की पूरी एलईडी लाइट्स मेरे को लग रही है। स्टंट डॉग के अंदर देखो ऐसा लग रहा है कि लेजर लाइट्स लगा रखी है। भाई साहब, इसकी लाइट्स तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है यार, अगर हम इसको नाइट में देखेंगे तो और भी ज्यादा कूल दिखाई देगी। तो गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों में से कौन पसंद आया, आरसी एलिफेंट या फिर आरसी स्टंट डॉग। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी का भी। चलो गाइस, अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है कृष्णा, तुषार, वाशु, हेत्विक, लोकेश कुमार, फैज खान, अक्षा, वाहिद, हिमांशु, सौम्या। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।